ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः। ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः। जिन लोगों की जन्म कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर हो और जीवन में सुख और थोड़ी सी आयुष्य की चिंता हो, तो उन्हें चाहिए कि ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः ये बृहस्पति का मंत्र यदि हल्दी की माला पर करें तो निःसंदेह उन्हें लाभ मिलेगा और जीवन सुखकारी बनेगा। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। गुड़ और चने का बेहद खास प्रसाद आपके जीवन की 7 बड़ी परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकता है। सप्ताह के 7 दिन आप गुड़ और चने का भोग अलग अलग 7 देवों को लगाइए और उसके बाद कैसे आपको प्राप्त होगा 7 देवों का आशीर्वाद, उनका वरदान। गुड़ चने का प्रसाद आपको दिला सकता है लंबी आयु, वही भर सकता है आपकी खाली तिजोरी। और तो और हम आपको ये भी बता दें कि यही गुड़ चना जो है आपको अच्छी नौकरी भी दिला सकता है, रोजगार में सफलता दिला सकता है और बहुत सारे खास कार्य पूर्ण करा सकता है। लेकिन कैसे, यही आज काल चक्र में पंडित जी हमें बताने वाले हैं। और हमेशा की तरह अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। December 19, 2013 दिन बृहस्पतिवार, आज पौष कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है जो सायंकाल 5:38 तक है। आज पुनर्वसु नक्षत्र है जो शाम को 5:21 तक है। राहु काल दोपहर 1:30 से 3 तक आज सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन रात रहेगा। आज किसी प्रकार का कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं सप्ताह के पहले दिन से। सप्ताह का पहला दिन यानी कि सोमवार, और भगवान शिव से यदि आपको पाना है लंबी उम्र का वरदान, तो ऐसे में भगवान शिव को कैसे आप प्रसन्न कर सकते हैं और कैसे गुड़ और चने का प्रसाद खिलाकर उनसे आशीर्वाद पा सकते हैं जिससे कि आपको लंबी उम्र का आशीर्वाद मिले, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, सोमवार का दिन है, भगवान शिव को प्रसन्न करना है, लंबी उम्र भी पानी है, क्या करें? जटाटवी गल ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलम्बलम्बिताम भुजंग तुंग मालिकाम डम 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 निनाद वमर वयम चकार चंड तांडव तनो तुन शिव शिवम। भगवान शिव औढ़रदानी है, भगवान शिव औढ़रदानी है और अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव का दिन माना जाता है। सोमवार के दिन भगवान शिव के लिए व्रत करना चाहिए। अगर व्रत न संभव हो तो निश्चित रूप से सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। दिन भर ओम हौम जूम सह मंत्र का मानसिक जप करना चाहिए। शाम को थाली में गुड़ चने का भोग भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। शिव चालीसा और शिव मंत्रों का जप करना चाहिए। गुड़ चने का प्रसाद सभी लोगों में वितरित करना चाहिए। इससे जहाँ दीर्घायुष्य की प्राप्ति होती है वहीं मानसिक शांति भी मिलती है। तो भाई, गुड़ और चना देखने में जितना साधारण लगता है उतना ही शक्तिशाली है और उतने ही इसमें शक्तियाँ छिपी हुई है। शोहरत हो, रोजगार हो, नौकरी हो, व्यापार हो, अगर आप किसी भी तरह की परेशानी से परेशान है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे में गुड़ और चने का ये प्रसाद कैसे उसे झट से दूर कर सकता है, यही आज पंडित जी से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी देर में पंडित जी से और भी जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन फिलहाल रुक कर रहे हैं राशियों का। दैनिक राशि फल में शुरुआत करते हैं हमारी पहली राशि से जो कि मेष राशि। जानते हैं एरीज के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन, पंडित जी बताइए। आज मेष राशि के जातकों को माता का पूरा पूरा सहयोग, मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। रुके हुए आपके सरकारी कामकाज बहुत कम प्रयास में भी सफल हो जाएंगे। आज आपके बच्चों के उन्नति का पूरा पूरा योग बना हुआ है। पढ़ाई के क्षेत्र में यदि आप विद्यार्थी हैं तो कुछ आपको परेशानी हो सकती है, इसलिए आज आपको चाहिए भगवान श्री हरि विष्णु की आप उपासना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप जप करें। जय मां विंध्यवासिनी।
बढ़ते इसी के साथ अगली राशि की ओर। अगली राशि है वृषभ राशि। जानते हैं कि टॉरस के लिए कैसे रहने वाला है आज का दिन, पंडित जी बताइए। आज वृषभ राशि के जो जातक हैं, इनका स्वास्थ्य निश्चित रूप से बहुत अच्छा रहेगा। अगर किसी प्रकार के कंपटीशनल एग्जाम में आप जा रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा में आप भाग ले रहे हैं, तो उसमें भी आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। आज अगर कोई आप यात्रा कर रहे हैं तो उसका भी आपको लाभ मिलेगा। भाई बहनों की नौकरी में तरक्की मिल सकती है, भाई बहनों की उन्नति हो सकती है। आज आपको चाहिए कि दुर्गा चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। राशियों में अगली राशि है मिथुन राशि। जानते हैं कि जेमिनाइज की किस्मत के सितारे क्या कुछ बयां कर रहे हैं आज, पंडित जी बताइए। आज जो मिथुन राशि के जातक हैं, आज आपका मन किसी ऐसी विशेष खुशखबरी से खुश रहेगा जिसका आपका काफी दिनों से जिसका आपको इंतजार था। आज कहीं से आपको एकाएक काफी धन की प्राप्ति हो सकती है। रुके हुए सरकारी कामकाज आपके पूरे हो सकते हैं और आज आपका समाज में मान सम्मान रुतबा बढ़ेगा। आज आपको चाहिए कि पीले फलों का आप दान करें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन के बाद बारी आ गई है कर्क राशि की। जानते हैं कैंसेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, पंडित जी बताइए। आज कर्क राशि के जातकों का स्वास्थ्य निसंदेह अच्छा रहेगा। नकारात्मक ऊर्जा आपकी समाप्त होगी और आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा। आज हर काम में किस्मत आपका साथ देगी। नौकरी में प्रमोशन का पूरा पूरा योग बन रहा है। आज आपको चाहिए कि ओम रांग राहवे नमः का एक माला जप आप अवश्य कर लें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। हमने शुरुआत की थी हफ्ते के सप्ताह के पहले दिन से, जो कि था सोमवार। कैसे हम भगवान शिव को गुड़ और चने के प्रसाद से प्रसन्न कर सकते हैं, आशीर्वाद पा सकते हैं, ये तो पंडित जी ने बता दिया। लेकिन अगर हम बात करें मंगलवार की, तो भाई गुड़ और चने का बेहद खास प्रसाद, बहुत ही साधारण सा प्रसाद है, बजरंग बली को अर्पित करके कैसे आप मनचाही नौकरी और साथ ही मनचाहा रोजगार पा सकते हैं, आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी क्या खास उपाय करें, गुड़ और चने को लेकर कैसे अर्पित करें ताकि मनचाही नौकरी मनचाहा रोजगार मिल जाए। गुड़ और चना ये कहीं न कहीं से मंगल ग्रह की वस्तु है। गुड़ और चना ये दोनों ही मंगल ग्रह की वस्तु है। मंगलवार के दिन बजरंग बली हनुमान का व्रत करने का शास्त्र सम्मत विधान है। मंगलवार को ही इनका जन्म हुआ है और मंगलमय करते हैं लोगों के जीवन में, इसलिए मंगलवार का व्रत हनुमान जी के लिए व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। अगर अस्वस्थता के कारण या बालक और वृद्ध हैं तो आपको व्रत नहीं करना चाहिए। ऐसे में अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो आपको फलाहार करके ही व्रत कर लेना चाहिए, यह आपके लिए श्रेष्ठ है। ओम हं हनुमताये नमः इस मंत्र का मानसिक जाप करने से हर प्रकार का भय समाप्त होता है। शाम को कांसे की थाली में गुड़ और चने का भोग बजरंग बली के सामने निवेदित करना चाहिए, अर्पित करना चाहिए। हनुमान चालीसा और हनुमान बाहुक का पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ, यह सतबार पाठ कर जोई छूटे बंद महासुख होई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा है कि जो लोग हनुमान चालीसा का 100 पाठ करते हैं उनका किसी भी प्रकार का बंधन हो वो छूट जाता है। चाहे कोई व्यक्ति कारागार में बंद हो, जेल में बंद हो, वहां से छूट जाता है, या कारागार में बंद होने की भय की स्थिति हो, तब भी अगर 100 पाठ हनुमान चालीसा के करे तो उस भय से मुक्त हो जाता है। गुड़ चने का प्रसाद जो है उसे प्रसाद के बाद सभी लोगों में वितरित करना चाहिए। इससे धन लाभ के साथ साथ रोजगार, नौकरी और व्यापार में भी सफलता मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं। बुधवार के दिन किस तरह से आपको प्रयोग में लेकर आना है गुड़ चने के प्रसाद को, जानेंगे पंडित से थोड़ी देर में। लेकिन फिलहाल दिल्ली से एक दर्शक जुड़ रही है। मृदुला जी स्वागत है आपका, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। मैडम नमस्ते। जी नमस्ते। मुझे अपनी बेटी के बारे में मालूम करना है। जी। इसकी डेट ऑफ बर्थ है 23 जनवरी 1988, समय शाम को 7:20 और स्थान है मुरादाबाद।
क्या जानना चाहती हैं मृदुला जी? जी इसकी सरकारी नौकरी के बारे में और शादी कब तक होगी? इनके दशम भाव का स्वामी बुध है और जो बृहस्पति के साथ खड़ाष्टक योग लगा रहा है, न तो अभी शादी का योग दिखाई दे रहा है, न तो अभी सरकारी नौकरी का योग दिखाई दे रहा है। सरकारी नौकरी के योग में भी खड़ाष्टक योग पूर्ण रूपेण बना हुआ है, जो इस बात का संकेत है कि सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। और जहां तक विवाह का प्रश्न है तो 2014 के अंत या 15 के शुरुआत में प्रयास करने पर विवाह के कार्य में सफलता मिल सकती है। चलिए अब बात कर लेते हैं बुधवार की। भगवान श्री गणेश बुद्धि और ज्ञान के देवता हैं। ऐसे में घर में अगर सुख समृद्धि के आगमन के साथ साथ घर वालों को बुद्धि और विद्या का वरदान भी पाना हो तो भाई गुड़ और चने का कौन सा उपाय आपको जरूर करना है, आइए जानते हैं। पंडित जी, बुधवार का दिन भगवान गणेश को मनाना है, गुड़ और चने का प्रसाद कैसे अर्पित करें? प्रातर स्मरामि गणनाथ मनाथ बंधु सिंदूर पूर परिपूरित गंड युगमम उद्दंड विघ्न परिखंडन चंड दंड मा खंडल आदि सुरनायक वृंद वंद्यम। बुध ग्रह जो है ये ग्रहों में राजकुमार माना जाता है। बुध ग्रह नपुंसक ग्रह है। अगर ये पुरुष राशि में होता है तो पुरुष ग्रह का फल करता है और अगर ये स्त्री राशि में होता है तो स्त्री ग्रह का फलादेश करता है। बुध ग्रह और बुधवार का दिन ये भगवान गणेश का दिन है। भगवान गणेश की उपासना के लिए शास्त्रों में इसे सर्वश्रेष्ठ दिन माना गया है। बुधवार के दिन अगर किसी कारणवश आप व्रत नहीं कर सकते तो दिन भर बिना नमक का आपको भोजन करना चाहिए। दिन भर ओम गं गणपताये नमः इस मंत्र का यथासंभव मानसिक जप करना चाहिए। शाम को कांसे की थाली में गुड़ चने का भोग भगवान गणेश को समर्पित करना चाहिए। गुड़ चने का प्रसाद सभी लोगों में समान रूप से वितरित करना चाहिए। इससे सौभाग्य में वृद्धि के साथ साथ विद्या और बुद्धि का विशेष लाभ प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। पुणे से एक दर्शक जुड़ गई हैं। निशा जी स्वागत है आपका, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हेलो जी। हेलो, मैं पुणे से बोल रही हूँ। एक्चुअली मेरे हस्बैंड के बारे में पूछना है। 5 साल से हो गया उनका जॉब नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा निशा अग्रवाल नाम है जी। और मेरे पति का नाम है सुधीर अग्रवाल। 5 साल से क्या चार्टेड अकाउंटेंट है मेरे हस्बैंड जी, जी। तो क्या है नौकरी में भी कभी अगर वैसे तो मनी जैसा खत्म हो गया है तो और अपना साइड में बिजनेस करना चाहते हैं वो कि किसी को फाइनेंस दिलाना है कुछ है पर पंडित जी 5 साल से ऐसा हो गया है कि कोई भी काम नहीं आता। अगर नौकरी भी का भी कोई आता भी है तो एक बार इंटरव्यू हुआ उसके बाद कोई कॉल ही नहीं आता। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पति भाव का स्वामी शुक्र और दशम भाव का स्वामी शनि, शुक्र और शनि दोनों ग्रहों की स्थिति परस्पर प्रश्न काल में इस समय चतुर्थ दशम है। भाग्य बिल्कुल भी इनका साथ नहीं दे रहा है। अगर आप चाहती हैं कि ये जल्दी से नौकरी में हो जाएं और इनका जीवन सुव्यवस्थित हो जाए तो आप एक छोटा सा उपाय करके देखिए। तवा, चिमटा, अंगीठी, कड़ाही, कंबल, चाकू, तेल, ये 7 सामान शनिवार के दिन सायंकाल किसी बुजुर्ग जरूरतमंद आदमी को दान करवाइए। अगर ये उपाय 4 हफ्ते आपने कर लिया तो आप निश्चित मानिए कि इनको नौकरी मिलकर रहेगी और आर्थिक परिस्थिति में सुधार जरूर होगा। सिर्फ और सिर्फ गुड़ और चने के प्रसाद से आपको आपकी सारी परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है, यही आजकल चक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। भाई पैसों से जुड़ी अगर परेशानी है, आप परेशान हैं, पैसे जोड़ नहीं पा रहे या फिर पैसे आते हैं खर्च हो जाते हैं, तो पैसों से जुड़ी अगर परेशानी है और उसे दूर करना चाहते हैं तो ऐसे में गुड़ और चने का प्रसाद किस तरह से और किस भगवान को चढ़ाने पर आपको पूर्ण लाभ मिल सकता है, आइए जानते हैं। पंडित जी, कौन सा दिन है वो जब हमें गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाने पर पैसों से संबंधित जो भी परेशानी है वो दूर हो जाए? प्रातर स्मरामि भवभीति महार्थ शांति नारायणम गरुण वाहन यप जनाभम ग्राहाभिभूति वरवारण मुक्ति हेतु चक्रायुधम तरुण वारिज पत्र नेत्रम। त्रिलोकीनाथ भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करने से और भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना बृहस्पतिवार के दिन यदि की जाए तो निश्चित रूप से सारी मनोकामना पूरी होती है। गुरुवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की और तुलसी की पूजा करने का शास्त्र सम्मत विधान है। गुरुवार के दिन व्रत करने का भी विधान है। जो महिलाएं श्रद्धा पूर्वक
बृहस्पतिवार का व्रत करती हैं, केला के पेड़ की पूजा करती हैं, गुड़ चना का भोग लगाती हैं, निश्चित रूप से वो अखंड सौभाग्य को प्राप्त करती हैं। अगर व्रत नहीं कर सकते तो भोजन में अन्न की जगह दूध या खीर ग्रहण करना चाहिए। खीर चावल की नहीं होना चाहिए, खीर साबूदाने की होनी चाहिए। ओम नमो नारायणाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन दो मंत्रों में से किसी मंत्र का मानसिक जप अवश्य करना चाहिए। शाम को कांसे की थाली में गुड़ और चने का भोग रख करके भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित करना चाहिए। विष्णु चालीसा या विष्णु सहस्र नाम का पाठ करना चाहिए। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नामम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। अगर विष्णु सहस्र नाम का पाठ नहीं कर सकते, समय इतना नहीं है, तो यह जो मंत्र मैंने अभी आपको बताया है, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नामम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, इस मंत्र को ही एक माला जप कर लें तो सहस्र नाम अर्थात विष्णु सहस्र नामावली को पढ़ने का फल प्राप्त होगा। इससे धन की कामना पूरी होती है और निश्चित रूप से भगवान श्री हरि विष्णु का यजन करने वाला अर्थात उनका ध्यान करने वाला भव सागर को पार कर जाता है, आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है, जन्म लेने का उद्देश्य पूरा हो जाता है। तो धन की कामना पूर्ति के लिए गुड़ और चने का कौन सा आसान सा उपाय आपको करना है, पंडित जी ने आपको बता दिया है। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली राशि का। अगली राशि है सिंह राशि। जानते हैं कि लियो के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, पंडित जी बताइए। आज सिंह राशि के जातक अपने सेहत का विशेष ध्यान रखें। आज आपका थोड़ा भी असंयम आपके स्वास्थ्य को खराब कर सकता है, इसलिए सुबह से ही अपने दिनचर्या के प्रति आप सावधान होकर के और स्मरण करके हर कामों को सही ढंग से करने की कोशिश करें। किस्मत आपका साथ देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपको हर कदम पर आज सावधानी से स्मरण शक्ति के साथ निर्णय लेने की जरूरत है। आपके रुके हुए कामकाज पूरे होंगे और पत्नी से भी आपको सहयोग की प्राप्ति होगी। नया घर या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अनुकूल समय है। आपको चाहिए कि ओम सं शनश्चराय नमः यह शनि का जो तंत्रोक्त मंत्र है, इसका एक माला जप आप जरूर कर लें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। रुक करें अगली राशि का। अगली राशि है कन्या राशि। जानते हैं कि वर्गोस की किस्मत के सितारे क्या कुछ कह रहे हैं आज, पंडित जी बताइए। आज जो कन्या राशि के जातक हैं, इनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, निःसंदेह आज आप अच्छा महसूस करेंगे और सोच समझ करके आज के दिन आपको कुछ बात समाज में बोलनी है, वरना परेशानी बढ़ सकती है। आज अपने वाणी की कठोरता पर आपको नियंत्रण करने की पूरी पूरी जरूरत है। अगर आप व्यवसायी हैं और कन्या राशि के जातक हैं, तो आज का दिन आपके लिए एक तरह से वरदान है। व्यवसाय में आपको मनचाही सफलता प्राप्त होने वाली है और आपके आमदनी बढ़ने के पूरे पूरे आसार बने हुए हैं। आपको चाहिए कि आपके ऊपर शनि की साढ़े साती भी चल रही है, इस दोष से बचे रहें, इसके लिए जरूरतमंद लोगों को आज आप भोजन करवाएं, इससे भी आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। हम आप सभी को मुकदमों से और साजिशों से बचने के लिए गुड़ और चने से जुड़े बेहद ही आसान उपाय बताएंगे थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से जान लेते हैं मेष से लेकर कन्या राशि वालों का आज का राशिफल। हमारे वो दर्शक जो अभी अभी हमसे जुड़े हैं या फिर वो दर्शक जो अपने राशिफल को नहीं देख पाए हैं, उनके लिए पंडित जी एक बार फिर से बताएंगे मेष से लेकर कन्या राशि वालों तक कि उनके लिए क्या कुछ कह रहा है आज का दिन, पंडित जी बताइए। आज मेष राशि के जातक जो हैं, इन्हें इनके माता का पूरा पूरा सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त होगा। आज आपके रुके हुए सरकारी कामकाज भी पूरे होंगे और आज आपके बच्चों के उन्नति का पूरा पूरा योग बना हुआ है। विद्यार्थी यदि आप हैं तो पढ़ाई के क्षेत्र में कुछ परेशानी जरूर आ सकती है, लेकिन यदि धैर्य से उसका सामना करेंगे तो समाधान भी आपको मिल जाएगा। भगवान श्री हरि विष्णु की आपको उपासना करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और
वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपकी सेहत निःसंदेह अच्छी रहेगी। प्रतियोगी परीक्षा में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा और आज अगर कोई यात्रा आप छोटी बड़ी कर रहे हैं तो ये आपके लिए लाभकारी रहेगी। भाई बहनों को नौकरी मिल सकती है, भाई बहन रोजगार के क्षेत्र में सफल होंगे, ऐसा समाचार भी आपको प्राप्त होगा। आज आपको चाहिए कि आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें, माता राजराजेश्वरी दुर्गा की आराधना करें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आपको बताना चाहूंगा यदि आप मिथुन राशि के जातक हैं तो आज आपका मन किसी न किसी बात से प्रसन्न है क्योंकि भविष्य से जुड़ा हुआ शुभ समाचार आपको प्राप्त हो चुका है। आज कहीं से धन की प्राप्ति का भी आपको योग बन रहा है और प्रचुर मात्रा में खूब ढेर सारा पैसा मिलने का संयोग बन रहा है। रुके हुए सरकारी कामकाज आपके पूरे हो जाएंगे और आज आपका समाज में मान सम्मान और रुतबा बढ़ेगा। आज आपका अधिकार क्षेत्र भी बढ़ सकता है। आज आपको चाहिए कि पीले फलों का दान करें जिससे आपका कल्याण हो। जय मां विंध्यवासिनी। अब कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका स्वास्थ्य निःसंदेह अच्छा रहेगा। नकारात्मक ऊर्जा आप समाप्त कर पाएंगे और आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा। आज हर काम में आपकी किस्मत आपका साथ देगी और नौकरी में भी आपको प्रमोशन मिलेगा। आज आपको चाहिए कि उम्रांग राहवे नमः का जप कर लें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि के जातकों के बाद सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आप अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए। थोड़ा सा भी संयम नियम में गड़बड़ी आपके स्वास्थ्य को तबाह कर सकती है। आज आपको चाहिए, किस्मत आपका साथ देने वाली है, किसी भी काम की शुरुआत आप ठीक ढंग से कर सकते हैं। रुके हुए काम काज आपके पूरे हो सकते हैं। पत्नी से भी आज आपको पूरा पूरा सहयोग मिल सकता है। आज नया घर या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अनुकूल समय है। आपको चाहिए कि शनि देव की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। यदि आप कन्या राशि के जातक हैं तो आपका स्वास्थ्य निःसंदेह अच्छा रहेगा। सोच समझ करके आज आपको बोलना है, अपने वाणी पर आपको नियंत्रण रखना है। व्यवसाय में आपको ज्यादा फायदा मिलेगा और आपकी आमदनी बढ़ने के भी पूरे पूरे योग बने हुए हैं। आज आपको चाहिए कि जरूरतमंद लोगों को आप भोजन कराएं, इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। यदि आपके साथ ऐसा होता है कि आपके जो विरोधी है वो आप पर हावी होते हैं, आपके कार्यों को पूर्ण नहीं होने देते, तो ऐसे में विरोधियों को कमजोर करने के लिए, षड्यंत्रों से बचने के लिए किस दिन किस देव को चढ़ाना है आपको गुड़ और चना, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, जगत जननी माता दुर्गा का पूजन करना चाहिए और शुक्रवार का व्रत करना चाहिए। शुक्रवार के दिन देवियों की पूजा शास्त्रों में कहा गया है कि ज्यादा फलदायी होती है। अगर आप शुक्रवार का व्रत नहीं कर सकते तो दिन भर भोजन में फलाहार करने का शास्त्र सम्मत विधान है। दिन भर नवारण मंत्र का जप करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे नमः। यह नवारण मंत्र देवी भागवत में इसको मंत्रराज कहकर के संबोधित किया गया है। यह नवारण मंत्र भगवान कृष्ण की बुद्धि स्वरूपा देवी दुर्गा का सबसे प्रिय मंत्र है। परम ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण की प्राण स्वरूपा देवी राधा का मंत्र ओम ह्रीम श्रीम राधाए स्वाहा है और बुद्धि स्वरूपा देवी दुर्गा का जो मंत्र है वो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे नमः। यह नवारण मंत्र जो मंत्रराज के नाम से जाना जाता है, इस मंत्र का आपको मानसिक जप करना चाहिए। इससे मनुष्य के नौ चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं और मनुष्य के अंदर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का संचार हो जाता है। शाम को कांसे की थाली में गुड़ और चने का भोग लगा करके देवी माँ को समर्पित करना चाहिए। दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए, इससे शत्रुओं का समन होता है और निश्चित रूप से अपना उत्थान होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। आइए इसी के साथ एक बार फिर से रुक कर लेते हैं राशियों का, बात करते हैं अब तुला राशि की, जानते हैं कि लिब्रंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज तुला राशि के जो जातक हैं, इनका स्वास्थ्य निसंदेह अच्छा रहेगा। ऑफिस में आज आपके काम की तारीफ होगी
और परिवार के सभी लोग आज आपके साथ समय बिताएंगे। नौकरी में अच्छा पद और प्रतिष्ठा की आपको प्राप्ति हो सकती है। भगवान शिव की आराधना आपको करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तुला के बाद बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की ओर। जानते हैं स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, आज आप जितना परिश्रम करेंगे, जितना कर्म करेंगे, उसी का आपको फल प्राप्त होना है। स्वास्थ्य में आपके काफी हद तक सुधार की संभावना हो रही है और प्रतियोगी परीक्षा में भी आप सफल रहेंगे। मित्रों और भाइयों का मार्गदर्शन आज आपके लिए लाभकारी होगा। आज आपको चाहिए कि माँ दुर्गा की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है धनुराशि। जानते हैं सेजिटेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज जो धनु राशि के जातक हैं, उनको बताना चाहूँगा कि आज हर कदम पर किस्मत आपका साथ देने वाली है। आमदनी बढ़ने का पूरा पूरा योग बना हुआ है और यदि आप किसी कंपिटिशनल एग्जाम में अपने आप को अपीयर कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप सफल होकर लौटेंगे। आज थोड़ा सा सायंकाल स्वास्थ्य में गिरावट देखी जा सकती है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। संयम नियम से रहें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज आपको चाहिए कि माँ दुर्गा का प्रिय मंत्र जो नवारण मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे नमः, इसका आप जप कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। आप हो या हम हो, हम में से कोई भी नहीं चाहता कि हम कोर्ट कचहरी के चक्कर काटें। हम सभी बचना चाहते हैं मुकदमे से। ऐसे में हमें क्या उपाय करना है गुड़ और चने का, आइए जानते हैं। पंडित जी, कोई भी दिक्कत ना हो, कोर्ट के चक्कर ना काटने पड़े, क्या करें? देखिए, भगवान शनिदेव कहीं ना कहीं न्यायालय का भी प्रतिनिधित्व करते हैं और न्याय का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। नीलांजन समाभासम रविपुत्र मेमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमाम शनिश्चरम। शनिदेव कहीं न कहीं न्याय प्रक्रिया में अपना वर्चस्व रखते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। न्याय प्रक्रिया में आप देखें, अधिवक्ता से लेकर के अधिवक्ता को सुनने वाले लोगों तक को काले वस्त्र धारण करने का विधान हमारे यहाँ देश में बनाया गया है। काले वस्त्र कहीं न कहीं से शनिदेव इनके प्रतिनिधि हैं और शनिदेव का प्रभाव भी रहता है न्याय की प्रक्रिया पर। ऐसे में शनिवार के दिन शनिदेव की उपासना करने का और व्रत करने का शास्त्र सम्मत विधान है। अगर व्रत नहीं कर सकते तो उड़द के दाल की खिचड़ी सुबह खाना बहुत ही ज्यादा भाग्य के लिए लाभकारी माना जाता है। दिन भर ओम संग शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। शाम को शनिदेव का आवाहन करके थाली में गुड़ चने का भोग शनिदेव को अर्पित करना चाहिए। शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए, इससे मुकदमों में सफलता मिलती है और ग्रह की बाधा समाप्त होती है, शनिदेव की कृपा भी प्राप्त होती है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं आज के हमारे स्पेशल रिकॉर्डेड कॉलर की, जो कि पंजाब के रहने वाले हर्ष सेठी हैं। इन्होंने हमारे डायरेक्ट नंबर पर कॉल करके अपना सवाल रिकॉर्ड कराया है। आइए सुनते हैं क्या है इनका सवाल। नमस्कार, मेरा नाम हर्ष सेठी है। मेरा जन्म समय है 5:17 AM रविवार का दिन और जन्म स्थान है पंजाब समाना। पंडित जी, मैं अपने भविष्य, गवर्नमेंट जॉब और संतान के विषय में जानना चाहता हूँ। देखिए, जहाँ तक आपने सरकारी नौकरी के बारे में प्रश्न पूछा है तो मैं आपको बताऊं कि सरकारी नौकरी का योग कोई बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आपने जो प्रश्न पूछा है, बुध बृहस्पति का खडाष्टक योग है, संतान का भाव आपका अच्छा है, संतान सुख आपको खूब रहेगा जीवन में और अगर आप परिश्रम करके व्यवसाय करें तो आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रह सकती है। व्यवसाय में यदि तांबे से जुड़ा हुआ कोई व्यवसाय आप करते हैं या धातु से जुड़ा हुआ कोई व्यवसाय करते हैं तो इसमें आपको सफलता मिलेगी। आइए इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज की हमारी कुंडली कॉलर है पटियाला की रहने वाली नीरू खुराना। इनकी कुंडली इस वक्त हमारे पास है। आइए पंडित से जानते हैं कि गभाग्य क्या कुछ कहता है। पंडित जी, क्या कहती है इनकी कुंडली? नीरू का जन्म 13 मार्च 1977 को 2:30 पर प्रातः हुआ। इनका जन्म धनु लग्न में हुआ है। लग्न में चंद्रमा स्वयं विराजमान है, जो अष्टम भाव का, मृत्यु भाव का स्वामी है। इनके लग्न का स्वामी
बृहस्पति इनकी कुंडली में रोग के स्थान में बैठा हुआ है, छठे भाव में, और भाग्य स्थान का स्वामी सूर्य तृतीय भाव में बुध और मंगल के साथ विराजमान है। सूर्य की पूर्ण दृष्टि भाग्य भाव पर इस बात का संकेत कर रही है कि ठीक है, इनका भाग्य तो इनका साथ देगा, लेकिन बृहस्पति लग्नेश होकर के छठे भाव में बैठा हुआ है। इसका मतलब लीवर से संबंधित, पेट से संबंधित, पेनक्रियास से संबंधित बीमारियां इनको जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट देंगी और इनके जीवन में सब कुछ होते हुए सुख में कमी रहेगी। ऐसी स्थिति में अभी चंद्रमा में इनका शनि का अंतर चल रहा है जो 23 जनवरी 2014 तक रहेगा। इनको चाहिए कि गुड़, घी और दही पके हुए चावल में मिला करके शनिवार को काली गाय को खिलाएं। इससे इनका कल्याण होगा, रोजगार और पारिवारिक जीवन में इन्हें सफलता मिलेगी। 7 अलग अलग परेशानियों के लिए 7 अलग अलग दिन आप कैसे कर सकते हैं गुड़ और चने का इस्तेमाल, यही आज काल चक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं। चलिए पंडित से जानते हैं कि अच्छी सेहत यदि हमें पानी है, परिवार को हम निरोगी देखना चाहते हैं, निरोगी बनाना चाहते हैं, तो ऐसे में किस दिन किस भगवान को हमें चढ़ाना है गुड़ और चना, आइए जानते हैं पंडित जी वो कौन सा खास दिन है कि गुड़ और चने का जो प्रसाद है, उपाय है, वो कमाल कर दिखाए। देखिए रविवार के दिन भगवान सूर्य को अगर आप अर्घ देते हैं, भगवान सूर्य का ध्यान करते हैं, गायत्री मंत्र का जप करते हैं और भगवान सूर्य का व्रत करते हैं, अर्थात बिना नमक के व्रत करते हैं, तो निश्चित रूप से मीठा भोजन यदि आप करते हैं तो भगवान सूर्य की प्रसन्नता तो प्राप्त होती है। तो दिन भर भगवान सूर्य के बीज मंत्र का ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करने के बाद सायंकाल सूर्यास्त से पहले थाली में गुड़ चने का भोग यदि भगवान सूर्य को समर्पित करते हैं तो इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है और परिवार निरोगी रहता है। निश्चित रूप से यश कीर्ति भी बढ़ती है, मान सम्मान भी बढ़ता है और मनुष्य के आभा मंडल की भी वृद्धि होती है। आइए इसी के साथ एक बार फिर से रुक कर लेते हैं राशियों का, बात करते हैं मकर राशि की, जानते हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा होने वाला है आज का दिन, पंडित जी बताइए। आज मकर राशि के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा है, आपकी सेहत ठीक रहेगी, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए दिन और भी अच्छा है क्योंकि आपको शिक्षा के क्षेत्र में मिलेगी अभूतपूर्व सफलता जिसकी आपको उम्मीद नहीं होगी। अगर आपके बच्चों से कोई जुड़ी हुई समस्या है जिसका आप समाधान करने के लिए अब तक प्रयासरत थे तो आज वो दिन है जब आपके बच्चों की समस्या समाप्त होगी। नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है, मंगल स्त्रोत का पाठ करें। जय माँ विंध्यवासिनी। बारी आ गई है कुंभ राशि की, जानते हैं क्वेरीज के लिए कैसा होने वाला है आज का दिन, पंडित जी बताइए। आज कुंभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य निसंदेह अच्छा रहेगा, सकारात्मक सोच के कारण फायदा मिलेगा और कहीं कुछ जिम्मेदारी भी बढ़ सकती है। विदेश यात्रा से यदि किसी प्रकार के विलंब की स्थिति आपके जीवन में निर्माण हो रही है, विलंब हो रहा है विदेश यात्रा करने में, तो वो भी अब समय आपका समाप्त होगा, अब आपकी विदेश यात्रा अवश्य होगी। आपको चाहिए कि आज आप गुरु का आशीर्वाद लें और बृहस्पति की पूजा करें। जय माँ विंध्यवासिनी। बढ़ते अंतिम राशि की ओर जो कि है मीन राशि, पंडित जी बताइए पाइसेस के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। आज जो मीन राशि के जातक हैं इनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहेगा, कारोबार से संबंधित कोई यात्रा कर रहे हैं तो उसमें लाभ मिलेगा और पिता का भी सहयोग आज आपको प्राप्त होगा। वैवाहिक जीवन से आप सुखी रहेंगे, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। जय माँ विंध्यवासिनी। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद।